मेहदी हसन और बेगम अख्तर, आपको कौन ज्यादा पसंद है? ये नहीं कहा जा सकता, ये आपने बहुत क्लिष्ट प्रश्न कर दिया, क्योंकि दोनों हमें पसंद हैं, दोनों नायाब हैं। आप वैसे ही कह रहे हैं लाल और हीरे में कौन पसंद है आपको, लाल भी कीमती है बेशकीमती और हीरा भी। दोनों की कोई एक पसंदीदा चीज जो आपको लगता है कि सुनानी चाहिए? बेगम अख्तर की मैं सुना रहा हूँ, हालांकि मेहदी हसन खान साहब ने कहा था, एक बार 15 अगस्त का प्रोग्राम था और बॉर्डर पर ही कार्यक्रम रखा गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फनकारों का, तो बेगम अख्तर साहिबा को सुनकर मेहदी हसन खान साहब ने कहा कि ये नाचीज आपकी जूती के भी बराबर नहीं है। मेहदी हसन खान साहब, अब उनकी बातों से आप आकलन लगाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन बड़ा छोटा है, ये उनकी महानता भी हो सकती है या फिर वो अपनी दृष्टि से सोचकर बोल रहे हैं। बिल्कुल, मेरे हम नफस अभी जो वायरल हुआ है, जी जी जी, मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगान दे, मैं हूँ दर्देश्क में जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआन दे, मेरे हम नफस मेरे हम नवा। ये हो गया गजल बेगम अख्तर साहब। और मेहदी हसन साहब का? मैं मेहदी हसन साहब का है, अब के हम बिछड़े तो शायद, ये राग इसके भी एक वाक्य है, वो गाड़ी से जा रहे थे स्वरमंडल अपना कैसे थे भूपाली राग में कुछ, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, इस गजल को गाने जा रहे थे तो गाड़ी के उठक बैठक से शुद्ध धैवत जो है उतर करके कोमल धा हो गया, तो सारे ग प ध के जगह हो गया सारे ग प ध द द प ध सारे द प ध ग प ध ग र ब ग रे द सारे ग रे ग रे सा, भूपेश्वरी रागनी बन गई जो कि 72 थाटों में से है, दक्षिण भारत के 72 थाटों जी, में जी। ये उत्तर भारत के 10 थाटों में राग नहीं है, ये 10 थाटों में नहीं, वो 72 थाटों में से है, हनुमत तोड़ी आदि आते हैं उसमें। मैं दक्षिणी गायकी का भी खुला ने रे ने ते रे रे ने रे 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 ने रे ते ने रे रे ने रे रे ते रे रे ने, तो ये वहाँ श्रुतियों का गगरी सा मगरी सा निसा नीरी सा निसा गगरी गरी सा नीरी सा निधा निसा री सा निसा गरी सा, तो रे को री वहाँ कहा जाता है और श्रुतिबद्ध गायकी है। तो मेहदी हसन साहब ने इसी में गाया था कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, तब के हम बिछ, ये शुद्ध मत है जो अलापचारी। मेहदी हसन खान साहब की गायकी को मैंने इसलिए चुना, वो कृष्ण मत का प्रयोग करते थे और शिव मत का प्रयोग करते थे, मिले शिव भगवान प्रलय में इसका आलाप लेते हैं, इसका आलापचारी शिव भगवान के लिए फेमस था, जिसको मेहदी हसन साहब बोलते हैं अपनी गजल में कि शिव जी के लिए प्रचार में था, शुद्ध मत।